हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको जो जियो का नया मॉडल आया F320B, जियो का F320B जो नया मॉडल आया उसके माइक के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इसका माइक IC वाला माइक है, इसमें 5 पॉइंट रहते हैं। जो जियो F320 का नया मॉडल आया इसमें 5 पॉइंट रहते हैं, 4 पॉइंट छोटे वाले होते हैं, एक बड़ा पॉइंट होता है 5। तो इसका अगर माइक ख़राब हो जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका माइक ख़राब हो जाए तो आपको सबसे पहले इसका माइक चेंज करना है। इसमें माइक दो लग जाते हैं, एक तो आपको 5 पिन वाला ऐसा लगाना, सेम तैसा लगा सकते हो। अगर ये माइक नहीं है तो आपके पास जो J2 का माइक रहता है ना, एंड्रॉयड वाला, जो 3 टांग का रहता, जो 3 पॉइंट का रहता है, तो आप उस माइक को भी लगा सकते हो। तो आपको उस माइक को कैसे लगाना है, तो आप इसके जो आपको ये ग्रीन, जो ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है ना, एक जम्पर इस पर लगाना है और दूसरा उसी के सामने जो दूसरा पॉइंट है आपको, जो आपको थोड़ा रेड कलर से थोड़ा डार्क है उस पर लगाना है, और तीसरा पॉइंट जो आपको गोल कलर में रहता है, ग्राउंड से रहता है, उस पर लगाना है। तो 3 पॉइंटों पे आप ये जंपर देके आप J2 का माइक भी लगा सकते हैं, वो भी प्रॉपर काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माइक चेंज करने के बाद भी अगर माइक काम नहीं करता तो आपको सबसे पहले रीडिंग चेक करना है। रीडिंग के लिए वो ग्रीन कलर की रीडिंग है, इस पर रीडिंग आती है, 3 पॉइंटों पर रीडिंग आती है, ग्रीन कलर का उस पर रीडिंग आएगी, जो डार्क रेड है उस पर भी आएगी, और जो ब्लैक कलर उस पर भी आएगी। और इसमें एक पॉइंट दिया आपको, रेड कलर में 2 निशान लगे हुए हैं, जो दोनों रेड पे रीडिंग नहीं आएगी, दोनों ग्राउंड रहते हैं। एक तो आपको गोल वाला बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट रहता है, और एक छोटा पॉइंट जो आपको दोनों, जो आपको लाइन दिख रही रेड वाली, तो ये दोनों ही ग्राउंड रहते हैं, इस पर रीडिंग नहीं आती। जब कभी भी किसी पॉइंट पर रीडिंग नहीं आती तो आपको मैंने जंपर दिखाए हुए हैं, आप सीधा पॉइंट बाई पॉइंट जंपर दे सकते हो। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको, ये फोटो में आपको जो दिख रहे हैं क्लैरिटी के साथ, कौन सा जंपर किस पॉइंट देना है, कौन सा जंपर किस पॉइंट पर देना है, तो इस हिसाब से आप जंपर दे सकते हो। और यहाँ से सॉल्यूशन नहीं होता, फिर सीधा वो पावर IC से रहता है, वो फिर आपको IC चेंज करके रिक्स देके ग्राफ को चेंज करना होती है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो का पूरा मैं आपको जो दिखा दिया है, सबसे खास बात यह है कि इसमें J2 का माइक काम कर जाएगा। आपके पास अगर 5 पिन वाला माइक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप J2 जो टच मोबाइल का माइक होता है, J2 का छोटा वाला रहता है, जो J2 माइक में लगता है, उसको भी लगा सकते हो। तो उसको मैं आपको बता दिया, जो नीचे वाले 2 पॉइंट रहते हैं, जो आपको ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर में जो आपको ट्रैक दिख रही है, एक जंपर उस पर देना है, एक दूसरा उसी के जस्ट सामने जो आपको डार्क रेड में है उस पर देना है। तो दोनों पॉइंटों पे वो पॉइंट हो जाएंगे, ऊपर तीसरा पॉइंट जो बड़ा वाला गोल वाला रहता है, जिसके माइक के नीचे छेद रहता है, उस पर तीसरा जंपर देना है, तो जिससे कि ग्राउंड भी हो जाएगा और J2 का माइक काम करने लग जाएगा। तो ये था वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।